हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं प्रमोद साक, मैकलर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आर के जैन ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्यूशन में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के अंदर हम लोग देख रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स के जो डाउट वाले क्वेश्चंस थे वो। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 147 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 163 है। तो क्वेश्चन नंबर 163 में पूछा गया है, ए शिप हुज हल लेंथ इज 100 मीटर इज टू ट्रेवल एट 10 मीटर पर सेकेंड फॉर डायनेमिक सिमिलैरिटी एट व्हाट वेलोसिटी शुड अ 1/25 मॉडल बी टोर्ड थ्रू वाटर। तो यहाँ पर हल लेंथ दी गई है हमें 100 मीटर और ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड पर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप की लेंथ दी गई है और प्रोटोटाइप हमारा 10 मीटर पर सेकंड पर ट्रेवल कर रहा है। तो मॉडल के लिए जो स्केल रेशियो ये दिया गया है, तो मॉडल की वेलोसिटी हमें निकालनी है यहाँ पर। तो इसके अंदर हम फ्रॉड मॉडल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉड मॉडल क्या होता है, वी अपॉन में अंडर रूट जी इंटू में एल फॉर मॉडल इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन में अंडर रूट जी एल इंटू में फॉर प्रोटोटाइप। ठीक है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे फॉर मॉडल। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारी क्या निकल के आ जाएगी, क्योंकि जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये जी से जी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ये लेंथ बची यहाँ पर और वी वेलोसिटी बची। तो यहाँ पर वेलोसिटी फॉर मॉडल कितनी आ जाएगी, वी पी इंटू में अंडर रूट एल एम अपॉन में एल पी। ठीक है, और जो लेंथ के लिए स्केल रेशियो है वो हमारा क्या होता है, एल पी अपॉन में एल एम। ठीक है, और यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है वो मॉडल के लिए दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, एल एम अपॉन में एल पी की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो एल एम अपॉन एल पी की वैल्यू दी गई है। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर वी पी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड दी गई है। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड इंटू में 1/25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। तो 5 से अपन इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी हमारी मॉडल के लिए कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169। इसमें पूछा गया है, द टू इम्पॉर्टेंट फोर्सेज फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी। तो फ्लोटिंग बॉडी के लिए दो इम्पॉर्टेंट फोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जब हमारी बॉडी किसी भी फ्लूड या लिक्विड के अंदर फ्लोट करती है तो उसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट फोर्सेज होते हैं हमारे। एक होता है उसका बॉडी का वेट और दूसरा होता है उस बॉडी को बैलेंस करने के लिए नीचे से बॉयंसी फोर्स जो एक्ट करता है, अपवर्ड फोर्स जो एक्ट करता है वो। तो यहाँ पर ये हमारी एक बॉडी है, इसके ऊपर जो बॉडी का वेट है वो हमारा नीचे की ओर लगेगा। तो जो बॉडी का वेट होता है वो कौन सा होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है, और दूसरा होता है ये जो उसको बैलेंस करता है वो होता है हमारा बॉयंसी फोर्स। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फोर्सेज होते हैं किसी भी फ्लोटिंग बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 191। तो यहाँ पर 191 में पूछा गया है, इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो ऑफ ए फ्लूड द एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूड पार्टिकल। किसी भी फ्लूड पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है स्टडी फ्लो के केस में कैसा होगा। तो स्टडी फ्लो के केस में क्या होता है, जो फ्लूड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है टाइम के साथ। सपोज यहाँ पर हम एक फ्लूड पैसेज लेते हैं, तो फ्लूड पैसेज के अंदर यहाँ पर हमारा फ्लूड फ्लो कर रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड कि वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, और इस सेक्शन पर हमने देखा है वेलोसिटी को। तो इस सेक्शन पर मान लो हमने स्टार्टिंग में देखा कि 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, अगर हम इसको 5 सेकेंड बाद देखते हैं तो भी जो वेलोसिटी है वो हमारी 5 मीटर पर सेकेंड है, अगर 10 सेकेंड बाद देखते हैं तब भी हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी देख रहे हैं, प्रेशर देख रहे हैं, या डेंसिटी देख रहे हैं, कोई सी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, वो हमारी क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। मतलब क्या है, वो टाइम के साथ कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्लो है वो हमारा कैसा है, स्टडी फ्लो है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टडी फ्लो के केस में वेलोसिटी हमारी क्या है, चेंज नहीं हो रही है। तो और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, डी वी ओवर डी टी। ठीक है, डी वी ओवर डी टी। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो चेंज है वो हमारा क्या है, 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें जो डाउट था,
तो यहां पर देखिए इसमें पूछा गया है द फ्रिक्शन हेड लॉस ड्यू टू द फ्लो ऑफ वेरियस फ्लूड्स थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी विद अ वेलोसिटी वी एंड पाइप फ्रिक्शन फैक्टर इज एफ। तो पाइप फ्रिक्शन फैक्टर हमारा क्या है यहाँ पर एफ है। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन या हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है हमारा 4FLV² / 2GD, ये होता है 2DG या 2GD। तो इसके अंदर जो एफ है वो हमारा क्या होता है फ्रिक्शन कोफिशियंट होता है यहाँ पर, फ्रिक्शन कोफिशियंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है हमें फ्रिक्शन फैक्टर दिया गया है एफ। तो जो फ्रिक्शन फैक्टर है, फ्रिक्शन फैक्टर हमारा क्या होता है 4F- मान लो ये F फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा F डैश है। तो जो फ्रिक्शन फैक्टर है, फ्रिक्शन फैक्टर हमारा किसके बराबर होता है 4 times ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू पुट करेंगे हम इसके अंदर तो क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पर 4F की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर F, क्योंकि ये फ्रिक्शन फैक्टर है हमारा यहाँ पर। तो FLV² / 2DG तो ये आएगी वैल्यू हमारी। लेकिन इनमें से कोई भी इसके अंदर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 241। इसमें पूछा गया है एट द सेंटर लाइन ऑफ अ पाइप फ्लोइंग अंडर प्रेशर वेयर द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो, जहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है हमारा जीरो है, द शियर स्ट्रेस विल बी, तो शियर स्ट्रेस क्या होगी। तो यहां पर देखिए ये हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है किसी भी पाइप के अंदर। यहां पर ये लेमिनार फ्लो है, लेमिनार फ्लो के लिए जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा ये होता है -RY2 (dP/dx, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखें तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारा, ये पाइप के सरफेस के ऊपर क्या है, सरफेस के पास में क्या है मैक्सिमम है, और इस सेंटर पर जो शियर स्ट्रेस है वो हमारी क्या है जीरो है, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो हमारी जीरो है, मतलब सरफेस पर जो वेलोसिटी है वो जीरो है और सेंटर में जो वेलोसिटी है वो क्या है मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है du/dx या du/dy, क्योंकि हम इस तरीके से फ्लूड लेयर में फ्लो कर रहा है हमारा, तो फ्लूड में हम क्या है ये जो डिस्टेंस है वो y डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में आप लोगों ने देखा होगा tau = क्या होता है -μ (du/dy, तो यहाँ पर ये du/dy क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो इसके अंदर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो जीरो दिया गया है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जब जीरो होगा तो जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हेंस एट द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप फ्लोइंग अंडर प्रेशर वेयर द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो द शियर स्ट्रेस विल बी जीरो, तो शियर स्ट्रेस भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी के बारे में नहीं दिया गया है, अगर वेलोसिटी जीरो होती तो वेलोसिटी जीरो होती तो वहां पर जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता मैक्सिमम हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीरो। नेक्स्ट है 246। 246 में पूछा गया था बर्नौली इक्वेशन डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो बर्नौली इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा ये होता है बर्नौली इक्वेशन के अंदर ये जो टोटल एनर्जी है इसके अंदर हमारी प्रेशर एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई और पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये इनका जो सम है वो क्या है कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बर्नौली थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ स्टडी फ्लो द सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन अ फ्लूड अलोंग स्ट्रीम लाइन इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन दैट स्ट्रीम लाइन, सभी पॉइंट्स पर जो टोटल एनर्जी है वो हमारी क्या होती है सेम होती है, मतलब कॉन्स्टेंट होती है। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 267। इसमें पूछा है इन लेमिनार फ्लो फ्रिक्शन
रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑफ, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है लेमिनार फ्लो के अंदर, ये पूछा गया है। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे वहाँ पे। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी इनटू में वेटेड एरिया इनटू में वेलोसिटी, तो ये फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एफ डैश क्या है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो एफ डैश इनटू में पाई डी एल ये एरिया हो गया, वेटेड एरिया इनटू में वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फैक्टर है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली एरिया के प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के, तो एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर बोथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, दोनों के ही केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप लोग पढ़िए। द मेजर लॉस फॉर द फ्लो थ्रू द पाइप इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट फ्लूइड लेयर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, तो जो मेजर लॉस होता है वो किसके कारण होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण ही होता है, क्योंकि जो फ्लूइड लेयर है वो हमारी क्या है, फ्लो करती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उनके बीच में क्या होता है, हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है। जैसे ये फ्लूइड लेयर है, ये हमारी एक लेयर होगी, दूसरी होगी, तीसरी, इस तरीके से जो फ्लूइड लेयर है हमारी फ्लो कर रही है, तो इन लेयर्स के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर लॉस होता है वेलोसिटी में प्रेशर में, तो ये किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर दिस रेजिस्टेंस अराइजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो हमारा प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है, वो लेमिनार एंड टर्बुलेंट बट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, लेकिन किस पर डिपेंड करता है, ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये प्रेशर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो और ये भी आ जाता है कि वेलोसिटी पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 268, तो इसमें डार्सी इक्वेशन के बारे में पूछा गया था, डार्सी इक्वेशन क्या होगी इसमें, तो यहाँ पर जो डार्सी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एफ फ्रिक्शन फैक्टर दिया गया है, एल लेंथ दी गई है, वी वेलोसिटी है, और यहाँ पर वेटेड पेरीमीटर जो पेरीमीटर है उसके टर्म्स में हमें निकालना है, एम यहाँ पर हाइड्रोलिक मीन रेडियस है, एच एफ इक्वल टू क्या होता है, 4FLV²/2GD, अगर इस 4 को हम नीचे ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये D/4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, FLV²/2G, ठीक है, इंटू में D/4। अब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ देखते हैं, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हमारी क्या होती है, एरिया अपॉन में पेरीमीटर, और एरिया क्या होता है, π/4D²/πmeter पाई इंटू में डी, तो यहाँ से जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है वो कितनी निकल के आ गई, ये D/4। अब D/4 यहाँ पे था, जब D/4 की जगह हम क्या रख देंगे, एम रख देंगे, और जो एफ है फ्रिक्शन फैक्टर है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 4F। तो यहाँ पर देखिए, इस F की जगह अगर 4 से डिवाइड करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 4F की जगह अपन फ्रिक्शन फैक्टर रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, FLV²/2G×D/4 की जगह M आ जाएगा, तो 2M×G आ जाएगा, और यहाँ पर ये 4 है, तो 4F की जगह फ्रिक्शन फैक्टर आ गया, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, FLV²/4M×2×G, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, FLV²/4M×2G, यही आ रहा था, ये 4M×2G, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 299, इसमें क्या पूछा गया है, द मोशन ऑफ ए फ्लूड इज वर्टेक्स, जो मोशन है फ्लूड की वो क्या है, वर्टेक्स दी गई है, इफ ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूड मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब फ्लूड के पार्टिकल हमारे सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं विद द स्पीड, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या कांस्टेंट रहेगी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, वो उसके बारे में बताना हमें। तो देखिए, ये वर्टेक्स फ्लो होता है, वर्टेक्स फ्लो में क्या होता है, वर्टेक्स फ्लो इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ ए फ्लूड अलोंग अ कर्व्ड पाथ और ड्यू टू फ्लो ऑफ ए रोटेटिंग मास इज नोन एज वर्टेक्स फ्लो। तो जब फ्लूड किसी भी कर्व्ड पाथ के अलोंग फ्लो करता है,
या कर्व्ड पाथ के अलोंग रोटेट करता है, जो रोटेटिंग मास है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हम बाल्टी के अंदर पानी लेते हैं और पानी को अगर हम हाथ से घुमा देते हैं तो हमारा क्या करता है, उसके जो फ्लूड पार्टिकल है वो हमारे रोटेट करने लगते हैं, और उस तरीके का जो फ्लो है वो हमारा कैसा कहलाता है, वर्टेक्स फ्लो। और वहाँ पर हमने क्या है, हाथ से फोर्स अप्लाई किया है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स्ड वर्टेक्स। और जो नेचुरली फ्लो करते हैं जैसे वर्लपूल हो गए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्री वर्टेक्स फ्लो। तो यहाँ पर फोर्स्ड वर्टेक्स में क्या होता है, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ वर्टेक्स फ्लो इन विच सम एक्सटर्नल टॉर्क इज रिक्वायर्ड। तो उसके अंदर कुछ एक्सटर्नल टॉर्क हम अप्लाई करते हैं, जैसे एग्जाम्पल बताया, बाल्टी के अंदर पानी लेते हैं और उसको हम हाथ से घुमा देते हैं, तो उसके अंदर हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो द फ्लूड मास इन दिस टाइप ऑफ फ्लो रोटेट्स एट कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके अंदर जो फ्लूड मास है वो हमारा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करता है, और इसके अंदर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो हमारी क्या होती है, वी इक्वल टू ओमेगा इनटू में आर, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, वर्टिकल सिलेंडर कंटेनिंग लिक्विड विच इज रोटेटेड एट इट्स सेंटर एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड द इंपेलर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर ऑफ अ टर्बाइन। तो ये इस तरीके से हमारा ये वर्टिकल इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट फ्लूड हमारा रोटेट करता है। अब फ्री वर्टेक्स में क्या होता है, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क इज रिक्वायर्ड, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड नहीं होता है, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड फ्री वर्टेक्स। दस द लिक्विड इन केस ऑफ फ्री वर्टेक्स इज रोटेटिंग ड्यू टू द रोटेशन विच इज इम्पार्टेड टू द फ्लूड प्रीवियसली। जो रोटेशन हमने पहले दिया गया उसको, उसके कारण वो रोटेट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्री वर्टेक्स, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल है वो क्या है, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए होल प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर के अगर बॉटम में हम फ्लो के फ्लूड को निकलने के लिए होल कर देते हैं, तो उसमें से जो फ्लूड निकलेगा वो हमारा कैसा होगा, प्री वर्टेक्स होगा उसके अंदर। फ्लो ऑफ लिक्विड अराउंड ए सर्कुलर बेंड इन अ पाइप, किसी भी पाइप के अंदर अगर कोई सर्कुलर बेंड है तो वहाँ से जो फ्लूड फ्लो होगा वो हमारा कैसा होगा, फ्री वर्टेक्स होगा। या व्हर्लपूल इन अ रिवर, फ्लो ऑफ ए फ्लूड इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग, सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो केसिंग है उसके अंदर जो फ्लो हो रहा है फ्लूड का, वो हमारा कैसा है, फ्री वर्टेक्स है, क्योंकि इम्पेलर के थ्रू उसको रोटेशन दिया गया है, और इम्पेलर के अंदर जो रोटेशन हो रहा है फ्लूड का वो हमारा क्या कहलाएगा, फोर्स्ड वर्टेक्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है वो एक बार देखते हैं। इसके अंदर पूछा गया, मोशन ऑफ ए फ्लूड इज वर्टेक्स, जो फ्लूड की जो मोशन है वो कैसी है, वर्टेक्स है। इफ ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूड मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अगर ईच पार्टिकल फ्लूड के प्रत्येक पार्टिकल के क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं की गई है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात करता है तो वो कैसा हो जाता, हमारा फोर्स्ड वर्टेक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं की गई है, एक्सटर्नल टॉर्क की बात नहीं की गई है, तो ये कैसा होगा, हमारा फ्री वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो फ्री वर्टेक्स के केस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो गया, एम वी इंटू में आर, तो एम वी आर हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है, वी आर इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। अब वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी है हमारी वो क्या हो जाएगी, देखिए वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये हो जाता है। तो जो वेलोसिटी है हमारी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है। किसके केस में, फ्री वर्टेक्स के केस में। और यहाँ क्वेश्चन के अंदर फ्री वर्टेक्स के बारे में ही पूछा गया, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल टॉर्क की बात नहीं की गई है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये क्या है, इनवर्सली वेरी करता है एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और जो आर है वो हमारी क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है। इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, ये जो सेंट्रल एक्सिस है यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये हमारी आर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 314। तो इसमें पूछा गया था, इफ अ वॉटर टैंक पार्शियली फिल्ड विद वॉटर इज कैरीड ऑन अ ट्रक मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सलरेशन द लेवल ऑफ द लिक्विड विल। तो एक ट्रक है जो मूव कर रहा है हमारा कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सलरेशन के साथ, और उसके अंदर लिक्विड फिल्ड है, तो उस लिक्विड का जो लेवल है वो किस तरीके से मूव करेगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ये ट्रक है हमारा जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ आगे की ओर मूव कर रहा है,
तो यहाँ पर जो लिक्विड है, लिक्विड का लेवल हमारा किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो ट्रैक है वो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है आगे की ओर, तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो भी हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जब मूव करेगा तो इसके अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर दो डिफरेंट पॉइंट पर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये आगे की ओर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस जरूर होगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा और इस पॉइंट पर प्रेशर कम होगा, तो इसलिए जो लेवल है, लेवल में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। जो ट्रेलिंग एज है वहां पर क्या होगा, हाइट ज्यादा होगी, और जो लीडिंग एज है, लीडिंग एज पर जो हाइट है वो कम होगी। ठीक है, तो वो जो लेवल है वो हमारा किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी ओवर डीटी, डीवी ओवर डीटी। यहाँ पर देख सकते हैं, इफ द लिक्विड इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली देन टू पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन कांट हैव द इक्वल प्रेशर। हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल प्रेशर पर नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए इसका जो लेवल है वो जो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर एंड में जो ट्रेलिंग एज है वहां पर ज्यादा होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स द सेम एट बोथ द साइड ऑफ द टैंक, राइज ऑन द बैक, बैक साइड में क्या करेगा, राइज करेगा, एंड फॉल ऑन द फ्रंट साइड। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 330। इसमें पूछा गया था क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर, तो क्रिटिकल डेप्थ मीटर हमारा डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए ही यूज किया जाता है ओपन चैनल में ज्यादातर। तो यहां पर देख सकते हैं हम लोग, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी द क्रिटिकल डेप्थ गिव्स द ग्रेटेस्ट डिस्चार्ज इन ओपन चैनल। तो किसी भी स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू के लिए जो क्रिटिकल डेप्थ पर हमें डिस्चार्ज जो मिलता है वो कितना होता है, मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलता है, और या फिर दूसरे शब्दों में कहें इसका उल्टा अगर करते हैं हम, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, किसी भी गिवन डिस्चार्ज के लिए द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम फॉर द क्रिटिकल डेप्थ। तो जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो हमारी क्या होती है, मिनिमम होती है क्रिटिकल डेप्थ पर। ठीक है, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, और जब स्पेसिफिक एनर्जी हमारी वैल्यू दी गई है और उसके लिए जो डिस्चार्ज है वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है क्रिटिकल डेप्थ पर। तो सो एट द कंट्रोल सेक्शन, जो कंट्रोल सेक्शन है हमारा उस पर जो डिस्चार्ज होगा कैन बी कैलकुलेटेड वंस द डेप्थ इज नॉन। तो जो डिस्चार्ज है किसी भी सेक्शन पर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके द्वारा, जब हमें उसकी क्रिटिकल डेप्थ हमें पता चल जाए तो। ठीक है, तो क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू मेजर द डिस्चार्ज इन ओपन चैनल। ओपन चैनल में डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम क्रिटिकल डेप्थ का मीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 348 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप बेंड विल इंट्रोड्यूस मैक्सिमम हेड लॉस। तो ज्यादा हेड लॉस किसमें होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो हेड लॉस ड्यू टू बेंड होता है वो क्या होता है, दिस इज द एनर्जी लॉस ड्यू टू बेंड, बेंडिंग के कारण जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसी को हम कहते हैं हेड लॉस ड्यू टू बेंड। व्हेन ए बेंड इज प्रोवाइडेड इन द पाइपलाइन देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। जब हम बेंड प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से तो इसके कारण क्या होता है, जो वेलोसिटी है वो उसकी डायरेक्शन हमारी क्या होती है, चेंज होती है। तो ड्यू टू दिस द फ्लो सेपरेट्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द बेंड एंड फॉर्मेशन ऑफ एडी टेक्स प्लेस। इस बेंड के कारण इसके अंदर एडी फॉर्मेशन होता है जिसके कारण हेड लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो यहां पर जो हेड लॉस है वो हमारा क्या है, के वी स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है, ये होता है हेड लॉस ड्यू टू बेंड। बेंड तो यहां पर जो के है कॉन्स्टेंट है, वो डिपेंड करता है हमारा किस पर, टाइप ऑफ बेंड, बेंड कैसा है उस पर डिपेंड करता है के की जो वैल्यू है। तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ बेंड, जो के है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली बेंड के एंगल के। एंगल हमारा जितना ज्यादा होगा उतना ही हेड लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि एंगल ज्यादा होगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी, के की वैल्यू बढ़ेगी तो जो यहाँ पर जो हेड लॉस है वो भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, अगर रेडियस ज्यादा है, जैसे सपोज ये हमारा बेंड है, यहाँ पर रेडियस कम है, अगर इस रेडियस को हम इस तरीके से बढ़ा दें तो रेडियस जब बढ़ जाएगी तो जो के की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, कम होगी। अब जब के की वैल्यू कम हो जाएगी तो जो हेड लॉस है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर क्या पूछा गया है कि इनमें से
30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 या यू बैंड या 90 डिग्री, इनमें से किस में ज्यादा हेड लॉस होगा? तो यहां पर जो यू बैंड है, यू बैंड में क्या होगा, अगर ये यू बैंड है हमारा, तो यहां पर देखिए ये कैसा बनता है, ये ऑलमोस्ट 180 डिग्री बन जाता है एंगल। ये क्या है, 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो यहां पर एंगल हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एंगल जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हेड लॉस है वो भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 371। इसमें पूछा गया था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन ओपन चैनल फॉर टर्बुलेंट फ्लो कैन बी एज्यूम्ड एज। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है ओपन चैनल में, तो यहां पर क्या है, ये पाइप फ्लो के लिए, पाइप के अंदर अगर फ्लो हो रहा है, और ये किसके लिए है, चैनल फ्लो के लिए है। तो यहां पर देखिए ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो किसके लिए है, लेमिनार के लिए है, ये हमारी लेमिनार के लिए हो गई, और ये किसके लिए है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए। तो यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये जो प्रोफाइल है वो हमारी लॉगरिथमिक प्रोफाइल होती है, और ये कैसी है, पैराबोलिक प्रोफाइल है। और ऐसा ही किसमें होता है, चैनल के अंदर अगर कोई फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाली जो प्रोफाइल है वो कैसी है, लॉगरिथमिक प्रोफाइल है, ठीक है, और ये जो प्रोफाइल है वो पैराबोलिक प्रोफाइल है। लेकिन जो प्रोफाइल का जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। तो ओपन चैनल फ्लो अकर्स व्हेन अ लिक्विड फ्लोइंग अंडर ग्रेविटी इज ओनली पार्शली एनक्लोज्ड बाय इट्स सॉलिड बाउंड्री। तो ये ओपन चैनल फ्लो कब होता है, जब ये फ्लो करता है अंडर इट्स ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जब ये फ्लो करता है, और ये जो एनक्लोज्ड होता है वो सॉलिड बाउंड्रीज के साथ एनक्लोज्ड होता है। सपोज ये हमारा क्या है, एक नोच ऑफ बियर जो रहते हैं हमारे, उनके ऊपर से जब फ्लो होता है, ये हमारा वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो इसकी जो बाउंड्रीज है पार्शियली एनक्लोज्ड है, और इसके ऊपर ये वाटर सरफेस होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैनल के अंदर फ्लो होता है, सॉलिड बाउंड्रीज से ये क्या होता है, पार्शियली एनक्लोज्ड रहता है। द फ्लोइंग लिक्विड हैज अ फ्री सरफेस, ये हमारी फ्री सरफेस होती है यहाँ पर ये, एंड द लिक्विड इज नॉट अंडर प्रेशर, और जो लिक्विड है वो अंडर प्रेशर नहीं रहता है, अदर देन दैट कॉज्ड बाय इट्स ऑन वेट और एटमोस्फेरिक प्रेशर लगता है, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन एन ओपन चैनल कैन बी एज्यूम्ड एज पैराबोलिक फॉर लेमिनार एंड लॉगरिथमिक फॉर टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पर पैराबोलिक किसके लिए है, लेमिनार फ्लो के लिए है, और लॉगरिथमिक किसके लिए होता है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉगरिथमिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 375 में पूछा गया था यूलर इक्वेशन के बारे में, कि यूलर इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ लिक्विड्स इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट। तो ये किस अजम्पशन पर बेस्ड होती है यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ आइडियल फ्लूड फॉर अ स्टडी फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी ऑफ द मूविंग फ्लूड। यूलर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो रिलेशन बताती है किसके बीच में, वेलोसिटी प्रेशर एंड डेंसिटी के बीच में ऑफ मूविंग फ्लूड, ठीक है। और जो फ्लूड है वो हमारा कैसा होगा, आइडियल फ्लूड होगा, स्टडी फ्लो होगा उसके अंदर, और स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड होता है। और जब हमारा फ्लूड फ्लो करता है तो उसके अंदर जो फोर्सेज एसोसिएट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रेशर फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है ड्यू टू विस्कोसिटी, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस फोर्स, और फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। तो इसमें से इन सारे फोर्सेज में से यूलर इक्वेशन के अंदर हम केवल प्रेशर फोर्स को कंसीडर करते हैं और ग्रेविटी फोर्स को कंसीडर करते हैं। एजम्पशंस कौन कौन से होते हैं हमारे, द फ्लूड इज नॉन विस्कस, फ्लूड हमारा कैसा हो, नॉन विस्कस होना चाहिए, और फ्रिक्शनल लॉसेज विल बी जीरो, जब हमारा नॉन विस्कस होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो फ्रिक्शन लॉसेज हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। द फ्लूड इज होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल, फ्लूड कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। फ्लूड फ्लो इज स्टडी, फ्लूड फ्लो स्टडी होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, अलोंग द स्ट्रीम लाइन होना चाहिए।
फ्लूड फ्लो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, और जो फ्लूड फ्लो की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ओनली ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स विल बी अंडर कंसिडरेशन। ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स को कंसिडर करते हैं हम इसके अंदर। तो यहां पर जो सही आंसर है वो क्या होगा, फ्लो इज होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल। मेनली जो फ्लूड है उसकी बात की जाती है इसके अंदर, तो फ्लूड हमारा कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 402। इसमें पूछा गया था इफ द प्रेशर एट द इनलेट ऑफ ए पाइप इज 90 kg/cm² एंड द प्रेशर ड्रॉप ओवर द पाइप लाइन इज 10 kg/cm², द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी निकालनी है इसके अंदर, हम लोगों ने पहले भी निकाली थी तो वो कितनी आ रही थी 88.8, लेकिन बच्चों का डाउट था कि इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो हमारी कितनी होती है 66.6%। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर केवल हमें क्या पूछा गया है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन पूछा गया है, न कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसीलिए जो आंसर है वो हमारा 88.8% ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द नोजल, नोजल से जो पावर ट्रांसमिट होती है तो उसके अंदर जो एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन है थ्रू नोजल वो क्या होती है, पावर एट द आउटलेट ऑफ द नोजल, पावर एट द आउटलेट ऑफ द नोजल अपॉन में पावर एट द इनलेट ऑफ द नोजल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें प्रेशर दिया गया है इनलेट और आउटलेट पर, प्रेशर ड्रॉप दिया गया है ओवर द पाइपलाइन 10 kg एंड प्रेशर एट द इनलेट, और इनलेट पर जो प्रेशर है वो इतना दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर जो प्रेशर ड्रॉप है वो मतलब क्या है उसका, कि उस जो फ्रिक्शनल लॉसेज हो रहे हैं, जो ड्रॉप हो रहा है फ्रिक्शनल लॉसेज के कारण वो दिया गया है हमें। तो यहां पर जो एफिशिएंसी है क्या हो जाएगी, टोटल प्रेशर हेड हेड प्रेशर हेड माइनस में फ्रिक्शनल लॉसेज के कारण जो ड्रॉप हो रहा है वो, तो 90 - 10 अपॉन में इनिशियल कितना था इनलेट पर 90 है। तो ये प्रेशर के फॉर्म में, मतलब जो पावर एट द आउटलेट, ये प्रेशर के फॉर्म में दी गई है एनर्जी, तो पावर एट द आउटलेट कितनी हो गई, ये हो गई 80 और इनलेट पर कितनी हो गई 90। तो यहाँ पर एफिशिएंसी हमारी कितनी निकल के आ रही है 88.8%। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। इसके अंदर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन पूछा गया है, न कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 418 में पूछा गया था इन अ शॉर्ट सिलिंडिकल एक्सटर्नल माउथपीस द वेना कॉन्ट्रैक्टर अकर्स एट द प्लेस विच इज एट द डिस्टेंस इज इक्वल टू। तो ये होता है 1/4 डिस्टेंस पर होता है वेना कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पर ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उस लेक्चर में। तो एक्सटर्नल माउथपीस क्या होता है, जब हम ये जो ऑरिफिस होता है यहाँ पर ऑरिफिस के एक्सटर्नल साइड में जब हम लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल माउथपीस, ठीक है, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस कहते हैं। और ये कितना होता है, ये 2-3 times होता है ऑफ इट्स डायमीटर, इसकी डायमीटर का जो ऑरिफिस की डायमीटर है उसका 2-3 times होता है, ठीक है, जो माउथपीसेज होते हैं। तो एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस हमारा क्या होगा, सिलिंड्रिकल शेप का रहेगा और ऑरिफिस के बाहर की ओर लगेगा, एक्सटर्नल साइड की ओर लगेगा, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस कहा जाता है। अब बिना कॉन्ट्रैक्टर का क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे जहां पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बिना कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे, ठीक है। तो द बिना कॉन्ट्रैक्टर अकर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द ऑरिफिस इन अ शॉर्ट सिलिंड्रिकल माउथपीस। तो ये कितनी डिस्टेंस पर होता है, 1/4 डिस्टेंस पर होता है ऑफ द डायमीटर, डायमीटर की 1/4 डिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा, 1/4 द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द ऑरिफिस, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 419। इसमें पूछा गया था फायर होज नोजल इज जनरली मेड ऑफ, फायर होज नोजल हमारे कैसे होते हैं, कन्वर्जेंट शेप के होते हैं। तो यहां पर देखिए ये एक फायरमैन है, तो यहां पर ये जो नोजल लगा हुआ है ये क्या है हमारा, इसको कहते हैं फायर होज नोजल। फायर होज नोजल इसके द्वारा जो वाटर निकल रहा है वो क्या है, डायरेक्ट करता है इस स्टीम को, इस आग को बुझाने के लिए हाई प्रेशर पर। तो यहाँ पर देखिए ए फायर होज नोजल इज अ डिवाइस विच जनरेट और एंड डायरेक्ट द स्ट्रीम ऑफ वाटर फोम पाउडर और
एनी अदर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग सब्सटेंस, द होज नोजल इज सिलिंड्रिकल इन शेप। जो होज नोजल है वो हमारा कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ये इस तरीके के शेप का होता है। तो ये कैसा होता है, हमारा कन्वर्जेंट शेप का होता है। ये कंटिन्यूअस डिक्रीज इन साइज, तो इसका साइज कंटिन्यूअसली क्या करता है, डिक्रीज करता है, यहाँ से नीचे की ओर डिक्रीज करता है। तो ये कैसा होता है, कन्वर्जेंट टाइप का होता है। द जनरल पर्पज ऑफ द होज नोजल इज टू सप्लाई द फ्लो ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी एंड रिड्यूस प्रेशर सो एज कन्वर्जेंट नोजल इज यूज फॉर अ फायर होज नोजल। तो इसलिए जो कन्वर्जेंट नोजल है वो हमारा यूज किया जाता है फायर होज नोजल के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 428। डिस्चार्ज थ्रू ए टोटली सबमर्ज्ड ऑर्फिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो डिस्चार्ज थ्रू टोटली सबमर्ज्ड या फुली सबमर्ज्ड ऑर्फिस से कितना होता है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो ये जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज थ्रू फुली सबमर्ज्ड या टोटली सबमर्ज्ड ऑर्फिस से कितना होता है, ये होता है हमारा इतना सी डी इंटू में बी इंटू में एच टू माइनस एच वन इंटू में अंडर रूट टू जी एच। तो यहाँ पर एच टू माइनस एच वन, एच क्या है, एच वन क्या है, हाइट ऑफ द वाटर एबव द टॉप ऑफ द ऑर्फिस ऑन द अपस्ट्रीम साइड, एंड एच टू क्या है, हाइट ऑफ द वाटर एबव द बॉटम ऑफ द ऑर्फिस। तो ऑर्फिस के बॉटम में हाइट है ये एच वन एच टू, और एच वन क्या है, एबव द टॉप ऑफ द ऑर्फिस अपस्ट्रीम साइड है। और यहाँ पे H क्या है, डिफरेंस इन वाटर लेवल, ठीक है, यहाँ पर H क्या है, ये डिफरेंस इन वाटर लेवल। तो यहाँ से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, अंडर रूट H, और H क्या है, डिफरेंस इन वाटर लेवल। तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस इन वाटर लेवल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ वाटर सर्फेसेस, एलिवेशन ऑफ वाटर सर्फेसेस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 431। इसमें पूछा गया था, ड्रैग इज डिफाइंड एज द फोर्स कंपोनेंट एक्सर्टेड ऑन एन इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, द कंपोनेंट एक्टिंग इन डायरेक्शन। तो ये कैसा लगता है, पैरेलल डायरेक्शन में लगता है फ्लो की, जैसे यहां पर देख सकते हैं ये फ्लो की हमारी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, और जो ड्रैग फोर्स है वो कैसा लग रहा है, पैरेलल डायरेक्शन में लग रहा है, और जो लिफ्ट फोर्स है वो हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है फ्लो की, ठीक है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बच्चों को डाउट था इसके अंदर पता नहीं क्यों। यहाँ पर देख सकते हैं जो ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन है, ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ शियर एंड प्रेशर फोर्सेज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन में जो प्रेशर फोर्स या शियर फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। और द रिजल्टेंट ऑफ शियर एंड प्रेशर फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मली टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लूड फ्लो इज कॉल्ड लिफ्ट फोर्स। तो उसको हम क्या कहेंगे, लिफ्ट फोर्स कहेंगे, जो नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है। तो ये फ्लो की डायरेक्शन होगी, ड्रैग फोर्स हमारा क्या लगेगा, इसके फ्लो की डायरेक्शन के पैरेलल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द फ्लो डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 440। कंटिन्यूटी इक्वेशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, ठीक है। अगर डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है तो क्या हो जाती है, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, ठीक है। तो यहां पर अब ये रो भी ये हो नहीं सकता, और रो वन ए वन ये नहीं हो सकता, यहां पर वेलोसिटी भी आएगी, और ये क्या है, पी वन दिया है यहां पर। अगर ये रो वन ए वन भी वन होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन यहां पर क्या दिया है, पी दिया है, प्रेशर दिया है, तो ये नहीं हो सकता। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ए वन भी वन इक्वल टू ए टू भी टू। यहां पर ये रीड भी कर सकते हो आप लोग, कंटिन्यूटी इक्वेशन रो वन ए वन वी वन, ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट डेंसिटी के लिए हो जाएगा, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू। नेक्स्ट है 475। तो 475 में पूछा गया, द एक्सप्रेशन पी प्लस रो जी जेड प्लस में रो भी स्क्वायर अपॉन में टू कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस बर्नौली इक्वेशन हैज यूनिट्स ऑफ। तो ये किस यूनिट्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं,
टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए ये क्या है, P प्लस रो जी जेड प्लस में रो भी स्क्वायर बाई टू। तो इसको एक्सप्रेस करना है, तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। सपोज हमने प्रेशर को लिया, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें हम मीटर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर अपॉन में मीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया हमारा, वॉल्यूम, और ऊपर न्यूटन मीटर, ये किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। ठीक है, तो एनर्जी, ये क्या आ गया, वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर इसकी भी देखें हम, तो डेंसिटी की क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में जेड क्या है, हाइट है, तो इसकी हो जाएगी मीटर। अब देखिए ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अब जो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, न्यूटन के सेकंड बराबर होता है। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है, वन न्यूटन के बराबर होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर अपॉन में मीटर क्यूब। तो ये भी बन गया हमारा, ये एनर्जी की यूनिट होती है, मीटर क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम। तो ये भी क्या हो रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही अगर इसको भी देखेंगे तो ये भी हमारा क्या निकल के आएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 497 में पूछा गया है, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज 0.073 न्यूटन मीटर, द गेज प्रेशर इनसाइड अ रेन ड्रॉप ऑफ 1 mm डायमीटर विल बी। तो इसके अंदर हमें गेज प्रेशर निकालना है। तो यहां पर देखिए ये ड्रॉप के केस में क्या लगेगा, इस तरीके से प्रेशर एक्ट करेगा और उसके ऊपर सरफेस टेंशन हमारा ये लगेगा। तो अगर इसके अंदर फोर्स बैलेंस करते हैं तो पी इंटू में ए एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू में सिग्मा लगेगा पूरा इस पेरीमीटर पर, तो 2πr हो गया, सिग्मा इंटू में 2πr। तो यहां से प्रेशर जो निकलता है वो कितना होता है, 2 सिग्मा अपॉन में r, r इक्वल टू क्या रखेंगे, d बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन में d। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू में सिग्मा की वैल्यू दी गई है हमें 0.073 न्यूटन पर मीटर, तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी हमने, और अपॉन में डायमीटर कितनी दी गई है, 1 mm, तो 1 इंटू में 10⁻³ हो जाएगा मीटर में। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आती है, 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।